नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अपनी पिछली दो यूरिक एसिड वाली वीडियोस में हमने चर्चा करी कि यूरिक एसिड कैसे बनता है, इससे क्या क्या हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उसके बाद हमने चर्चा करी कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या वो टिप्स हैं जिससे कि यूरिक एसिड कंट्रोल किया जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में और कुछ और ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आपका यूरिक एसिड परमानेंटली क्योर हो सके। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में हम क्या चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके लिए दोस्तों आपको अपनी लाइफ में योग और व्यायाम को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, परंतु सूक्ष्म व्यायाम आपको डेली करना है जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन है वो निकल सके। इसके अलावा आपको डेली 3 से 4 लीटर तक पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि पानी बहुत ही अच्छा माध्यम है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। और आप एक चीज़ अपनी ज़रूर अपनाइए अपनी डेली लाइफ में, आंवला और एलोवेरा का जो जूस है उसे आप डेली पीजिए। ये आपके लीवर को, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत अच्छे से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आप ये किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है, पर जो भी लें वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ये आपके लीवर को और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी औषधियों के बारे में। उसमें सबसे पहली है चंद्र प्रभावटी। ये आपको पतंजलि के स्टोर से या और भी किसी ब्रांड की आपको इजीली मिल जाएगी। ये आपको खाने के बाद लेनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ बताती हूँ, वैसे तो इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, पर आप जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ ले उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी बॉडी का हर किसी औषधि के लिए रिस्पॉन्स अलग होता है। तो प्लीज़ आप इसका बात का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ आपको लेनी है दिव्य वातारी चूर्ण, गोक्षरादि गूगल और गिलोय कैप्सूल। ये आपको सुबह शाम खाने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद में लेने हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपके मेटाबॉलिज्म को और यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बहुत अच्छे से निकालती हैं और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। और इनके साथ आपको खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर का सेवन करना है। इसमें बाकी सारी चीज़ें खाने के बाद लेनी है और केवल पुनर्नवादी मंडूर जो है वो खाली पेट ही लेना है सुबह शाम। दोस्तों इन सभी औषधियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी। वैसे तो दोस्तों इन औषधियों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। पर फिर भी दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहती हूँ, आप जो भी औषधि लें प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स हर किसी दवाई के लिए अलग होता है। दोस्तों अगर आप इन औषधियों के साथ अपने डाइट प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हर रोज़ योग व्यायाम करते हैं, खूब पानी पीते हैं, तो आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 वीडियोस की सीरीज़ यूरिक एसिड के ऊपर। आशा करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।